बीएसएल द्वारा लगातार अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रवीण कुमार की देखरेख में सेक्टर 12 में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से आवासों में कब्जा करके रह रहे लोगों के घरों से सामानों को बाहर निकाला जा रहा है। इन अवैध कब्जा के आवासों में रह रहे लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर खुद से आवासों से कब्जा नहीं हटाया तो सभी आवासों को सील कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले संपदा न्यायालय के द्वारा इन कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन इन लोगों ने आवासों को खाली नहीं किया, जिसके बाद अब अभियान चलाकर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। तो उसको एक घंटे का समय भी दिया जा रहा है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जब से रहे तब से उनका उसको जुर्माना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंबोलिक तौर पर एक सामान उठा के लिया गया है ताकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनका हाथ टूटा हुआ है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आज हमें एक घंटे या दो घंटे में खाली कर देंगे, तो हमने उन्होंने समय दिया है। अगर आज खाली नहीं करते हम लोग फिर आएंगे और उनको सील करके जाएंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।